हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुकिंग विद मिस खान में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सैंडविच की एक बहुत ही आसान और बढ़िया सी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये टेस्ट में इतनी ज़्यादा अमेजिंग है कि आप एक बार इसे खाएंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। अगर आपके बच्चे भी सब्जियाँ खाने में आनाकानी करते हैं, खाना खाने में आनाकानी करते हैं, तो आप ये रेसिपी उन्हें दे सकते हैं। वो बड़े ही शौक से ये रेसिपी खाएंगे। ट्रस्ट में दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए इतनी ज़्यादा बातें नहीं करते, आप देखते हैं कि रेसिपी को बनाना कैसे है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ उबले हुए आलू। आप जितने सैंडविच बनाना चाहें उसके हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद उन आलूओं को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो एक मैशर की हेल्प से कर लें या फिर आप हाथों की हेल्प से कर लें, जैसा आपको अच्छा लगे। तो देखिए, सारे आलूओं को मैंने जो है अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसके बाद इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने डाला है चिली फ्लेक्स। इसके बाद यहाँ पर मैंने डाली है ये हरे धनिए वाली चटनी। तो इसमें मैंने मिर्ची जो है कम डाली है, क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। तो ये देखिए, ये चला गया हमारा धनिया इसमें। अब हमें इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है मिक्स करना है, ताकि जितने भी हमने चटनी डाली है, चिली फ्लेक्स डाले हैं, नमक डाले हैं, वो आपस में काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और आलू में जो है उनका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर दिया है। तो हमारा जो ये मिक्सचर है, स्टफिंग है, वो रेडी हो चुकी है। और हाँ, मैं इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालना भूल गई थी, तो आप इसे डाल सकते हैं कुटी हुई काली मिर्च, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो मैंने इसे अब डाल दिया और इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए, जो हमारी स्टफिंग है सैंडविच की, वो तो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने ली है वाइट ब्रेड। आप चाहें तो आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हरे धनिए की हमारी चटनी है, हम उसे लगा देंगे। तो अच्छी तरह से आप लगा दीजिए हरे धनिए की जो हमारी चटनी है उसे चारों तरफ ब्रेड पर। तो देखिए, एक साइड जो है मैंने हरे धनिए की चटनी लगा दी है अच्छे से। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी जो हमारी आलू की स्टफिंग हमने अभी बनाकर तैयार की है, उसे हाथ से लगा देंगे इसे और चारों तरफ जो है अच्छे से फैला देंगे। यानी कि जो पूरा ब्रेड है उसे हमें अच्छे से कवर कर देना है। तो देखिए, ये मैंने इसे कर दिया कवर और बढ़िया तरीके से मैंने जो है स्टफिंग को फैला दिया है पूरे ब्रेड पर। आप देख सकते हैं, जो दूसरा ब्रेड का पीस था उसको इसके ऊपर ढक देंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे, ताकि ये जो है चिपक जाए अच्छे से। तो देखिए, अच्छे से मैंने दबा दिया इसे। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं चार अंडे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो दोस्तों, वैसे तो आपने जो सैंडविचेस खाए होंगे उसमें आपने अंडे वाला ये नहीं देखा होगा। जो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, ये बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए, अब हम डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और अब इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है हम मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रही थी, आपने सैंडविचेस तो बहुत ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन आपने ऐसा अंडे वाला जो है ट्विस्ट के साथ जो है सैंडविच नहीं खाया होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी लेके आई हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए, अंडे लिए थे मैंने चार अंडे, उसमें नमक और कुटी हुई काली मिर्च डालकर उसे अच्छे से फेंट लेंगे। इसके बाद एक तवे पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ऑयल गर्म होने का वेट करते हैं। तो देखिए, ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब जो हमने अंडे का जो मिक्सचर बना के तैयार किया है, अपना जो सैंडविच है, वो पूरा इसमें डिप कर देंगे हम। जी हाँ, आप देख सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, पूरा जो सैंडविच है हमें, यानी कि जो ब्रेड्स हैं हमारे, पूरे इसमें डिप करने हैं बहुत ही अच्छी तरीके से चारों तरफ से। और अब इसे जो है हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, जो अंडे की एक लेयर बन जाएगी इस सैंडविच के ऊपर और अंदर जो आलू की स्टफिंग चटनी के साथ है, वो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन देती है। तो दोनों साइड से इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया। तो अगर आप ऑमलेट खाना चाहते हैं और सैंडविच खाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, क्योंकि ये 2-in-1 का कॉम्बो आप कह सकते हैं इसे। तो देखिए, ऐसे ही हम एक सैंडविच तो हमारा बनाकर तैयार कर लिया है हमने, ऐसे ही हम जो है अपने बाकी सारे जो सैंडविचेस हैं उन्हें बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और अब इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं, तो उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आप इंजॉय करें इस अमेजिंग सी रेसिपी को। आई होप कि आपको ये जो रेसिपी है वो बहुत पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करके अपना जो भी फीडबैक हो, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। इससे क्या होता है, मुझे पता चल जाता है कि आपको मेरी कौन सी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है
और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई रेसिपी बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि उस रेसिपी को आप लोगों के लिए लेके आऊं। तब तक आप इन्जॉय करिए इस बढ़िया सी रेसिपी को।